राशन कार्ड का इस्तेमाल ना सिर्फ राशन लेने के लिए किया जाता है बल्कि इसका उपयोग एक पहचान के तौर पर भी किया जाता है। देश में राशन कार्ड धारक बैंक से लेकर हर सरकारी जगहों पर पहचान के तौर पर राशन कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी सरकारी योजना जैसे पीएम आवास योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना एवं अन्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी राशन कार्ड की आवश्यकता होती है। आज हम आपको एक ऐसी जानकारी देने आए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। अगर आपने अभी तक यह काम नहीं किया है तो आपको राशन नहीं मिलेगा। दरअसल अगर आपने अभी तक अपने राशन कार्ड से आधार को लिंक नहीं कराया है तो यह खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर 2023 कर दी है। सफेद कार्ड रखने वालों को पहले अपना राशन कार्ड डिजिटलाइजेशन करना होगा और उसके बाद ही उसे आधार कार्ड से जोड़ा जा सकेगा। राशन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए आपके पास कुछ अहम दस्तावेज होने चाहिए, जैसे राशन कार्ड की फोटोकॉपी, वेबसाइट पर सत्यापन के लिए ओरिजिनल राशन कार्ड, परिवार के सदस्यों की आधार कार्ड कॉपी, परिवार के मुखिया की पासपोर्ट आकार की फोटो, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी जो कि आधार से लिंक ना हो। राशन कार्ड को आधार से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से जोड़ा जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको आधार कार्ड लिंकिंग वेबसाइट पर जाकर स्टार्ट नाउ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपसे कुछ जानकारियां मांगी जाएगी, उसे भरकर सबमिट करने होंगे। इसके बाद अगले पेज पर आपको राशन कार्ड के रूप और उसके लाभ के प्रकार चुनने होंगे। इसके लिए कुछ विकल्प वहां दिए गए होंगे। इसके बाद आपको योजना का नाम चुनने की आवश्यकता है जो राशन कार्ड है। इसके बाद सबमिट करने पर भी आपकी निजी जानकारी मांगी जाएगी, इसे भरकर सबमिट करें। अब आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर पर ओटीपी आएगा, इसे दर्ज कर आगे बढ़ें। अगले पेज पर आपको नोटिफिकेशन डिस्प्ले किया जाएगा कि आपकी आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसके बाद वेरिफिकेशन होने के बाद आपका आधार आपके राशन कार्ड से लिंक हो जाएगा। आप ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ साथ ऑफलाइन माध्यम से भी अपने आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने परिवार के राशन कार्ड और आधार कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए होगी। अपने साथ बैंक पासबुक की फोटोकॉपी भी ले आए। अगर आपका खाता आधार से लिंक नहीं है तो अपने साथ परिवार के मुखिया की पासपोर्ट साइज फोटो ले जाएं। ये सभी दस्तावेज आपको राशन कार्यालय में जमा कराने होंगे। इसके बाद आपको संबंधित विभाग को लेकर मैसेज या ईमेल भेजा जाएगा। इसके बाद आपको राशन कार्ड के आधार से लिंक होने के बाद पुनः संदेश भेजा जाएगा।